वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। भारत में वेशभूषा, संस्कृति और मान्यताओं को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। एक बार फिर भारतीय मान्यताओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल झाड़ू, बाथरूम, पोछे और टॉयलेट ब्रश जैसे उत्पादों की निर्माता कंपनी स्कॉच ब्राइट के लोगों में महिला की फोटो पर बिंदी लगी हुई है। इस पर कार्तिक श्रीनिवासन नाम के शख्स ने स्कॉच ब्राइट के लोगों पर सवाल खड़े कर दिए और कंपनी से पूछा कि महिला की फोटो लगाकर आप लोगों को किस बात का संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस कंपनी ने क्या कहा है। श्रीनिवासन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झाड़ू, बाथरूम, पोछे और टॉयलेट ब्रश जैसे उत्पादों के लोगों पर महिला की फोटो है। स्क्रब पैड, स्पंज, सिंक ब्रश, झाड़ू, बाथरूम, पोछे, स्टेनलेस स्टील स्क्रब, टॉयलेट ब्रश जैसे अन्य उत्पाद भी यह कंपनी बनाती है। इस लोगों से प्रतीत होता है जैसे केवल सफाई और घरेलू से संबंधित उत्पाद किसी महिला के ही काम आते हैं। लेकिन हमारा यह मानना बिल्कुल नहीं है कि यह काम केवल महिलाएं ही करती हैं। यह हमारी सामाजिक जवाबदेही बनती है कि समाज में हमारे द्वारा कोई गलत संदेश न फैले। बता दें कि इस सवाल के जवाब में स्कॉच ब्राइट हेड ऑफ मार्केटिंग M.K. अतुल माथुर ने कार्तिक को लिंक्डइन पर जवाब देते हुए कहा कि कार्तिक, मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्दी स्कॉच ब्राइट के पैकेट पर इस तरह का लोगो दिखाई नहीं देगा। हम स्कॉच ब्राइट के जरिए कोई भी गलत संदेश समाज में नहीं देना चाहते हैं। आगे वह लिखते हैं कि कार्तिक, अगर आपको स्कॉच ब्राइट का एड याद है तो आपको बता दें कि स्कॉच ब्राइट ने अपने एड में यह बात कही थी कि घर सबका तो काम भी सभी का। साथ ही अतुल माथुर ने इस पोस्ट के साथ एड का लिंक भी शेयर किया है। अतुल माथुर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि यह पोस्ट समाज में हो रहे लिंक के नाम पर भेदभाव करेगा। वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा है कि इस पोस्ट ने हमारी आंखें खोल दी है। गौरतलब है कि श्रीनिवासन के इस पोस्ट के बाद स्कॉच ब्राइट के लोगों में बदलाव देखने को मिल सकता है। श्रीनिवासन ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि स्कॉच ब्राइट को भारत में 1990 में लॉन्च किया गया था। उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन 2020 में इस तरह के लिंक मारकर अजीब है और आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। श्रीनिवासन के पोस्ट पर अतुल माथुर ने लिखा है कि आपने ठीक कहा है, पुरानी मानवता है, अब समय आ गया है कि इस सोच से हम आगे बढ़े। बता दें कि सोशल मीडिया की वजह से ही पिछले दिन फेयर एंड लवली के नाम और एड से फेयर शब्द को हटा दिया गया था। यह अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया था। तो ये थी स्कॉच ब्राइट के लोगों को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवाल पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।